Greetings of the day, student. I hope you all are fit and fine and you all are doing well in your study. So in today's class, we are going to start up a new chapter. As you can see, the blackboard, our chapter is lesson 5 and the name of the chapter is deficiency diseases. Okay, so deficiency diseases means the deficiency. Okay, कमियाँ जो हमारे कमियाँ होती है बॉडी में, जो हम प्रॉपर इनटेक ऑफ फूड नहीं लेते हैं, जो कमियाँ होती है जिससे बहुत सारे डिजीजेस होती हैं हमारे बॉडी में. ओके, सो इन टुडे क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, दैट इज डिफिशेंसी डिजीजेस. ओके, वन शुड ईट अ बैलेंस डाइट इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी. सो वी शुड टेक अ प्रॉपर इनटेक ऑफ फूड. सो इफ यू विल टेक प्रॉपर फूड, आवर डाइट विल बी प्रॉपर एंड आवर डाइट विल बी प्रॉपर, आवर बॉडी विल बी हेल्दियर. ओके, सो हमें हमेशा बैलेंस डाइट, हमारा डाइट ठीक रखना चाहिए, प्रॉपर इनटेक ऑफ फूड लेना चाहिए. ओके, खाना टाइम टू टाइम खाना चाहिए और हर चीज़ हर इक्वल मात्रा में, इक्वल क्वांटिटी में लेना, जैसे प्रोटीन हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, कार्बोहाइड्रेट, हर चीज़ क्वांटिटी वाइज हमें हमारे बॉडी को देना चाहिए. ओके, If some nutrients are lacking in our food, deficiency diseases will occur. Okay? So, अगर कोई भी चीज हमारे बॉडी में कमी हो जाती, किसी भी चीज, किसी कोई भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को नहीं मिलता है, कि उस कमी के वजह से हमारे बॉडी में क्या होती, बीमारियां स्टार्ट हो जाती है. ओके, सो द डिजीज occur due to lack of the essential nutrients in our body, in our food, called deficiency disease. और उसी कमियों के वजह से हमारी बॉडी क्या होती है, हमारी बॉडी बीमार होती है, बहुत सारी बीमारियां होती है, बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, उसी डिजीज को हम लोग बोलते हैं डिफिडेंसी डिजीजेस. ओके, सम डिफिडेंसी डिजीजेस आर गिवन बिलो. सो कुछ कमियां, कुछ कमियां जो हमारे खाने की वजह से हो जाती है, खाना नहीं खाते, प्रॉपर इनटेक ऑफ फूड नहीं लेते हैं, तो वो सारी कमियां क्या है, डिफिशेंसी डिजीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री गुड. सो डिजीजेस आर क्लासिफाइड इनटू थ्री गुड. कमियां जो है जो तीन ग्रुप में बांटा गया, दैट इज प्रोटीन डिफिशेंसी. अगर हम लोग प्रोटीन अच्छे से नहीं लेते कि उसकी वजह से कौन कौन से डिजीज होते हैं, देन मिनरल डिफिशेंसी, मिनरल अगर नहीं लेते हैं तो उससे कौन सी बीमारी होती, देन विटामिन डिफिशेंसी. सो डिजीज देयर आर डिफिशेंसी दैट इज क्लासिफाइड इन थ्री ग्रुप, फर्स्ट इज प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स. ओके, सो इन ये तीन इंपॉर्टेंट चीज है जिसके वजह से हम लोग अच्छे से नहीं लेते, इनटेक नहीं करते, प्रॉपर इनटेक फूड का नहीं होता, ये सब बीमारियां हमारे बॉडी में पैदा होते हैं. ओके, फर्स्ट इज प्रोटीन डिफिशेंसी. इन आवर कंट्री मेनी पीपल डू नॉट गेट इनफ फूड टू ईट ड्यू टू पॉवर्टी. सो क्या होता है, हमारे जो कंट्री, हमारा जो इंडिया कंट्री है, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे कंट्रीज में क्या होता है, सॉरी बहुत सारे लोग रहते कंट्रीज में और उसके वजह से क्या होता है, फूड की कमी हो जाती है. ओके, एंड जो पॉवर्टी होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, ओके, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, वो लोगों को क्या होता है, प्रॉपर इनटेक ऑफ फूड नहीं मिलता है, उन लोगों को ये बीमारियां जल्दी होती है. ओके, सो हमारे इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन है, गरीब रेखा के नीचे है, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता जिनके वजह से उनको बहुत सारी बीमारियां होती है. ओके, दे आर मैल न्यूट्रिशन एज दे डू नॉट गेट टू ईट बैलेंस्ड डाइट. ठीक है, उनको वो लोग कुपोषित हो जाते, प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिलता है, उनका डाइट ठीक नहीं होता है, वो हर चीज़ हर मात्रा में नहीं खा पाते, हर फूड हर मात्रा में नहीं ले पाते, उनका बॉडी जो है वीक होता है और उनको कुपोषित हो जाते हैं वो लोग, ऐसे लोग. ओके, बहुत कमजोर, बहुत वीक हो जाते हैं. ओके, दिस डिफिशेंसी कैन लीड वेरियस डिजीज. और जब वो लोग वीक हो जाते हैं, उनका मैल न्यूट्रिशन कम हो जाता है, वो लोग वीक हो जाते हैं, तो क्या होता है, उनके बॉडी में बहुत सारे डिजीजेस पैदा हो जाते हैं. डिफिशेंसी डिजीज इज फाउंड इन चिल्ड्रेन लेस देन 5 ईयर ओल्ड. और हम देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे जो कि बहुत पतले होते हैं, उनकी पूरी हड्डियां दिखती है. ओके, ज्यादातर जो डिफिशेंसी होती है वो बच्चों में ही पाए जाते हैं. ओके, सम ऑफ द प्रोटीन डिफिशेंसी आर मोराजमियस एंड कावस. ओके, सो दीज आर द डिफिशेंसी कॉज बाय द प्रोटीन. अगर हम प्रोटीन का इनटेक कम कर देते, प्रोटीन सही मात्रा में नहीं लेते, बॉडी को प्रोटीन नहीं मिलता है, तो ये दो बीमारियां होती है. ओके,
सो मॉसमेरस एंड कावासोकर दो बीमारियां हैं जो कि डिफिशेंसी और प्रोटीन से होता है. ओके, अगर प्रोटीन का इंटेक कम होता है हमारी बॉडी में तो ये दो बीमारियां होती हैं. ओके, नेक्स्ट इज मोरोसमियस. द डिजीज अफेक्ट चिल्ड्रेन बिलो वन ईयर ऑफ एज. ओके, एक साल से कम के जो बच्चे हैं तो उनको ये बीमारियां होती है. ओके, इट इज काउज ड्यू टू द डिफिशेंसी ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और बोथ. ओके, ये बीमारी तब होती है जब वो कार्बोहाइड्रेट का जो इंटेक होता है वो कम होता है बॉडी में, तो ये बीमारियां जो है पैदा होती है. ओके, सिम्टम्स ऑफ मरास्म्यूसियस. ओके, सो सिम्टम्स क्या है मरास्म्यूसियस के? द सिम्टम्स ऑफ मरास्म्यूसियस आर द चिल्ड्रन बिकम वीक. जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं, उनकी बॉडी जो होती है बहुत कमजोर हो जाती है. ओके, रीब्स कैन बी क्लियरली सीन एज द फैट अंडर द स्किन डिसअपीयर. ओके, जो उनका रीब केज होता है, जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उनकी सारी हड्डियां दिखती है, उनका मांस बिल्कुल भी नहीं दिखता, उनका सारा बॉडी का जो रीब केज होता है प्लस जो जितने भी बोन्स होते हैं वो सारे दिखते हैं. ओके, स्किन बिकम ड्राई एंड विंकल. स्किन जो है सूख जाता है, ड्राई हो जाता है और झुर्रियां पड़ने लगती है स्किन में. ओके, रिटार्डेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ. ओके, और जो उनका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ होता है वो लोग ज्यादा एनर्जेटिक नहीं होते, और उनका जो मेंटली होता है, वो मेंटल जो होता है उनका दिमाग जो होता है बहुत कम हो जाता है. ओके, मेंटली ग्रोथ नहीं कर पाते वो बच्चे. डाइजेस्टिव ऑर्डर एंड रिपीटेड डायरियोसिस. ओके, सो उनका क्या होता है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता, उनका खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है. ओके, प्रिवेंशंस एंड मेजर्स. ओके, सो इस चीज को कैसे बचाया जा सकता है, इस डिफिशेंसी को कैसे कम किया जा सकता है, इस बीमारी से कैसे बचाया जा सकता है. ओके, सो द चिल्ड्रन शुड बी गिवेन फूड रिच इन प्रोटीन लाइक वीट, ग्राम्स, ग्राउंडनट, सोयाबीन, एग, मीट, चिकन एंड फिश. सो बच्चे को क्या करना चाहिए, बच्चे को रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलना चाहिए, उसकी बॉडी को रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलना चाहिए. जैसे प्रोटीन किस किस चीजों से मिलते हैं, जैसे वीट हो गया, गेहूं हो गया, ग्राम्स हो गए, ओके, एंड ग्राउंड नट हो गया, देन सोयाबीन हो गया, एग एंड मीट, चिकन. सो ये सब खाने से क्या होगा, बच्चे का प्रोटीन बॉडी में जाएगा और ये सब डिजीज से फाइट करने का उसे एनर्जी मिलेगा. ओके, नेक्स्ट वन इज कावासाकी. ओके, सो कावासाकी कब होता है, दिस डिजीज इज कॉज बाय द सर प्रोटीन डिफिशियंसी. ये भी डिजीज तभी होता है जब प्रोटीन की कमी हो जाती बॉडी में. ओके, इफ द इफ अफेक्ट चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ वन और थ्री इयर्स. जब बच्चा एक या तीन साल का होता है तब ये डिजीज बच्चे को होता है. ओके, सिम्टम्स ऑफ कावासाकी, देयर इज अ लूज ऑफ एपेटाइट. ओके, उनका जो खाना होता है, जो वो लोग खाना खाते हैं वो बहुत कम हो जाता है, बहुत कम खाना खाने लगते हैं. ओके, द चिल्ड्रेन हैज अ पॉट बेली. ओके, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है पतले दुबले, लेकिन उनका जो स्टमक होता है बहुत मतलब राउंड शेप में हो जाता है. ओके, लेग बिकम लॉन्ग थिन एंड कर्व. जो उनका पाँव होता है वो बहुत पतला एंड वो कर्व हो जाता है. ओके, सूटेड ग्रोथ, स्टर्न ग्रोथ. ओके, सो उनका जो ग्रोथ रहता है वो लोग ज्यादा लंबे नहीं हो पाते, उनका ग्रोथ जो होता है रुक जाता है. ओके, प्रिवेंशंस एंड मेजर्स. सो हाउ यू कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम द कावासाकी डिजीज, देर आर द प्रिवेंशंस सम प्रिकॉशंस डैट वी हैव टू टेक. ओके, चिल्ड्रेन शुड बी रियल्ड इन हाइजीन सराउंडेड एंड गिवन हाइजीन फूड. ओके, जो बच्चा है उसको साफ सुथरा रखना है. ओके, जिनको भी ये डिफिशेंसी होता है उनको साफ सुथरा रखना है, हाइजीन रखना है एंड उनको हाइजीनिक फूड देना है, साफ खाना देना. ओके, चिल्ड्रेन सफरिंग फ्रॉम कावासाकी शुड बी गिवेन स्किम मिल्क एंड रेगुलर इंटरवल. ओके, और उनको जो है दूध देना है टाइम टू टाइम. ओके, एक्सेप्ट दीज आर प्रोटीन रिच डाइट कंटेन इनफ वीट, पीनट, सोयाबीन एक्सेट्रा. और उनका भी डाइट में क्या है ये सब चीजें देना है ताकि वो लोग का बॉडी में क्या हो, प्रोटीन आए और डिजीज से फाइट करने का एनर्जी मिले. ओके, और नॉन वेजिटेरियन डाइट जैसे हो गया नॉन वेजिटेरियन फिश एग एक्सेट्रा ये भी देना चाहिए, शुड बी गिवन टू द चाइल्ड. सब भी बच्चों को देना चाहिए ताकि वो जल्दी से फाइट करने की उसको एनर्जी मिले और जल्दी जल्दी वो ठीक हो. ओके,
मिनरल डिफिशेंसी डिजीज. सो मिनरल का इंटेक कम होता है बॉडी में तो कौन से डिजीजेस होते हैं. ओके, मिनरल लाइक कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, सल्फर एंड जिंक आर द एसेंशियल फॉर कैरिंग आउट वेरियस मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी इन आवर बॉडी. ओके, सो क्या है, ये सब की कमी होने से भी जो है हमारे बॉडी में मिनरल्स की कमी होने से भी ये सब चीजें स्टार्ट हो जाती है. ओके, सो डिफिशेंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी होने से क्या होता है बॉडी में. ओके, डिफिशेंसी ऑफ आयरन काउज अनीमिया, आयरन डिफिशेंसी रिड्यूस द हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ ब्लड. सो क्या होता है, जब आयरन की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में तो हमारा बॉडी जो है हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, खून बनना कम हो जाता है. ओके, हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर पिगमेंट दैट कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड टिश्यू. सो हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन यू होता है जो हमारा ब्लड होता है, जो रेड पिगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन. वो क्या होता है, कैरी करता है थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू वेन जो है कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है और टिश्यू बनाता है. वो जो है वो रुक जाता है. अगर हमारे बॉडी में आयरन की डिफिशेंसी होती है, आयरन की कमी होती है तो सेल्स बनना और जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाता है. ओके, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अनीमिया बिकम पेल, लूज एपेटाइट एंड गेट टायर इजिली. ओके, जिनको ये बीमारी होती है वो क्या होते हैं, उनका पेल, उनका जो फेस होता है वो येल्लो पड़ जाता है. ओके, पेल हो जाता है, सूख जाता है और लॉस एपेटाइट, उनका खाने का भी जो है कम हो जाता है, खाना भी वो लोग कम खाते हैं और बहुत टायर्ड रहते हैं. ओके, ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं दिखते हैं, बहुत बहुत टायर्ड फील करते हैं. ओके, प्रिवेंशन एंड मेजर, सो वॉट आर द प्रिवेंशन एंड मेजर वी शुड टेक टू फाइट फ्रॉम दिस डिजीज. ओके, टू प्रिवेंट अनीमिया वन शुड गेट ग्रीन लीव वेजिटेबल, एप्पल, बनाना, ग्वावा, पल्सेस एंड एग. सो एप्पल वी शुड ईट फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रेश फ्रूट्स. ओके, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट का इंटेक होगा तो इस डिजीज से फाइट करने की एनर्जी मिलेगी बॉडी को. ओके, लाइक एप्पल, एप्पल से क्या होता है, आयरन मिलता है, देन बनाना, ग्वावा, दीज एंड एग. सो ये सब खाने से क्या होगा, बॉडी में एनर्जी आएगी, मिनरल्स आएगा और बॉडी को फाइट करने का एनर्जी मिलेगा. ओके, नेक्स्ट इज डिफिशेंसी ऑफ आयरन, सो डिफिशेंसी ऑफ आयोडीन. सो आयोडीन की कमी से क्या होता है. ओके, सो डिफिशेंसी ऑफ आयोडीन काउज गोटिक इन गोट्री थायरॉइड ग्लैंड लोकेटेड इन आवर थ्रोट. सो आपने देखा होगा यहाँ पे जो होता है हमारा वॉइस वोकल होता है. ओके, और जब आयोडीन की कमी होती तो ये जो होता है, ये जो होता है ये फूल जाता है. ओके, आयोडीन डिफिशेंसी इन चाइल्डहुड रिजल्ट इज रिटार्डेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ. और जब जैसे ये बीमारियां होती हैं तो बच्चों का क्या होता है, दिमाग जो है कमजोर हो जाता है और फिजिकली ग्रोथ वो नहीं कर पाते. ओके, सो प्रिवेंशन एंड मेजर, सो उसको कैसे बचाया जा सकता है. ओके, टू प्रिवेंट गोटरी वन शुड ईट सी फूड, लीफ वेजिटेबल एंड आयोडीन सॉल्ट. ओके, सो ये सब बचाने के प्रिवेंशन बचाया जा सकता है, सी फूड ज्यादा से ज्यादा सी फूड खाए और लीफी वेजिटेबल खाए. ओके, जो वेजिटेबल लीफ से बनता है जैसे हो गया पालक. ओके, जितने भी साग होते हैं वो सब लीफी वेजिटेबल्स हैं, वो सब खाना चाहिए, से जल्दी ठीक होंगे. ओके, नेक्स्ट इज डिफिशेंसी ऑफ कैल्शियम, सो कैल्शियम की कमी से बॉडी में क्या क्या डिजीजेस होते हैं. कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स. ओके, सो कैल्शियम लेने से क्या होता है, हमारे बोन्स जो होते हैं स्ट्रांग होता है, हमारी हड्डियां जो होती है स्ट्रांग होती है. ओके, डिफिशेंसी ऑफ कैल्शियम काउज अ डीफॉर्म ग्रोथ एंड वीकनेस ऑफ बोन्स. ओके, अगर हमारे बॉडी में इनटेक ऑफ कैल्शियम कम हो जाता है तो हमारे जो टीथ होते हैं, बोन्स होते हैं, वो बहुत वीक हो जाते हैं. ओके, और वो जो रहते हैं स्ट्रांग नहीं रहते हैं. प्रिवेंशन एंड मेजर्स, सो हमें क्या क्या मेजर्स एंड प्रिवेंशन का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए. ईटिंग वेजिटेबल्स रिच इन कैल्शियम एंड ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ मिल्क हेल्प इन अवॉइडिंग दिस डिजीज. ओके, सो इससे यही इससे हम बचा सकते हैं अपने आप को, अगर हम बहुत ज़्यादा दूध पिए एंड बहुत वेजिटेबल्स खा रहे, सोर्स ऑफ वेजिटेबल्स में बहुत सारे विटामिन होते हैं, वैसा वेजिटेबल्स हम लोग खाएं तो हमारी बॉडी को प्रॉपर कैल्शियम मिलेगा और हमारा बोन्स जो है स्ट्रांग रहेगा. ओके, विटामिन डिफिशेंसी डिजीजेस. ओके, विटामिन आर प्रेजेंट इन द ब्लड, विटामिन प्रेजेंट इन द फूड वी ईट. ओके, जो विटामिन जितने भी हम खाना खाते हैं उसमें विटामिन रहते हैं. ओके,
Deficiency of vitamins lead to different type of diseases. Okay. So deficiency of vitamins lead to different type of diseases. अगर body में जो है vitamin की कमी हो जाती है तो बहुत सारी बीमारियां होती है. Okay. Some of them are follows. जैसे night blindness. Okay. जो रात में दिखाई नहीं देता है. This disease caused due to lack of vitamin A. जब vitamin A की कमी होती है body में तो हमें क्या होता है? Night blindness होता है. Difficulty in seeing dim light called night blindness. Okay. जैसे ही थोड़ा सा शाम होता है, अंधेरा होता है, उनको night blindness होता है, उनको दिखाई नहीं देता है. Okay. So ये कमी कब होती है body में? जब हमारे body में vitamin A की कमी होती है तभी हमें क्या होता है? Night blindness होता है. शाम को दिखाई नहीं देता है. जैसे अंधेरा होता है, अंधेरे में दिखाई नहीं देता. Okay. Preventions and measures. So what are the measures and prevention we to take to fight from the night blindness? To prevent night blindness, we should eat rich in vitamin A like carrot, papaya, mangoes and green leafy vegetables. So ये सब जो fruits खाने से क्या होगा? हमारे body को vitamin A मिलेगा और हमारे vitamin A मिलेगा. अगर हमारे body को vitamin A मिलेगा तो हमारा eyes जो है वो अच्छे से चीजों को visible देख पाएगा. Okay? Next is very well. This disease is caused by due to vitamin B. Okay? So, vitamin B की कमी होने से very होता है. This symptoms, the symptoms of this disease is loss of appetite, nervous disorder and weight loss. Okay? Very तब होता है जब हमारा खाना intake of vitamin B कम हो जाता है, तब हमारा body जो है बहुत weak होता है. एंड बॉडी में जो है मांस की कमी हो जाती है, मांस नहीं होता है, हमारे जो रीढ़ केस है सारी हड्डियां दिखने लगती है. ओके. हमारा वेट लूज होने लगता है, हमारा वेट कम होने लगता है. ओके. सो ये सब जो चीजें हैं वो वेरी की बीमारी की वजह से होता है. ओके. प्रिवेंशन, व्हाट आर द प्रिवेंशन वी शुड टेक? ओके. ईटिंग फूड रिच इन विटामिन बी. अगर हम लोग विटामिन बी जिस खाने से मिलती है अगर वो खाएं तो उससे हम फाइट कर सकते हैं. लाइक मिल्क हो गया, अनपॉलिश्ड राइस, मीट, एग, बीन्स, पल्सेस, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हेल्प इन अवॉइडिंग दिस डिजीज. सो टेकिंग ऑफ दिस थिंग्स वी कैन फाइट फ्रॉम द वेरी डिजीजेस. ओके. सो ये सब खाने से क्या होगा? हमारे बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, प्रॉपर विटामिन्स मिलेगा और ये बीमारी से फाइट करने की एनर्जी आएगी. ओके. नेक्स्ट इज पेलाग्रा. ओके. सो ये क्या होता है? पेलाग्रा क्या होता है? एक रोग होता है जिसमें चमड़िया जो है, जो स्किन है वो फटने लगता है. ओके. सो पेलाग्रा इज कॉज ड्यू टू द डिपेंडेंसी ऑफ विटामिन बी. ओके. ये भी जो है विटामिन बी की कमी से होता है. द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज आर स्किन रैशेज, वीकनेस एंड मेंटल डिप्रेशन. ओके. सो इससे क्या होता है? हमारे बॉडी में जो है रैशेज होने लगते हैं, हमारे बॉडी का स्किन जो है फटने लगता है, वीकनेस होती है बॉडी में, एनर्जी नहीं रहती है काम करने की और मेंटली हम लोग स्टेबल नहीं होते हैं. ओके. डिप्रेशन में रहते हैं. ओके. सो व्हाट आर द थिंग वी शुड टेक टू प्रिवेंट दिस डिजीज? ओके. टेकिंग फूड सच एज मिल्क, वेजिटेबल्स, मीट, एग एक्सेट्रा हेल्प इन अवॉइडिंग दिस डिजीज. ओके. अगर ये सब चीजें हम लोग खाते हैं तो हमारे बॉडी को प्रॉपर विटामिन बी मिलेगा और इस डिजीज से फाइट करने की एनर्जी मिलेगी. ओके. नेक्स्ट इज स्कार्वी. ओके. स्कार्वी से क्या होता है? दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी. सो स्कार्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है. सिम्टम्स ऑफ स्कार्वी आर ब्लीडिंग गम्स, लूजिंग ऑफ टीथ, पेन इन मसल्स एंड ज्वाइंट एकॉम्प्लिस्ड बाय जनरल वीकनेस, फाइटिंग एंड वेट लूज. ओके. सो ये सब चीजें क्या होती है? जब हमारे बॉडी में विटामिन सी नहीं रहता, कैल्शियम नहीं रहता है, तो ये सब बॉडी जो है हमारा बॉडी जो है वीक हो जाता है, हमारे मसूड़े जो है वो वीक हो जाते हैं, हमारे टीथ जो है वो वीक हो जाते हैं, टीथ जो है टूटने लगते हैं, देन हमारे जॉइंट में भी पेन होता है. ओके. सो व्हाट आर द प्रिवेंशन वी शुड टेक टू फाइट दिस डिजीज? टू प्रिवेंट दिस डिजीज वन शुड ईट सिट्रस फ्रूट, लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स, पाइनएप्पल एंड ग्रीन लीफ वेजिटेबल. सो हमें जो है सिट्रस फूड खाना चाहिए. जिस फूड में बहुत सारा रस होता है वो फ्रूट्स खाना चाहिए. जैसे हो गया ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, पपाया हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गया. सो दीज आर द फूड विच कीप सेफ फ्रॉम द
स्कर्वी, स्कर्वी से बचा सकता है और विटामिन सी हमारे बॉडी को मिलेगा इसको खाने से और हमारा बॉडी प्रोटेक्टेड रहेगा. ओके लास्ट नेक्स्ट वन इज रिकेट. ओके सो इट इज कॉज ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. रिकेट्स कब होते हैं? डिफिशिएंसी विटामिन डी के कमी से होते. ओके द सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स आर डेवलप फॉर ऑफ लॉन्ग नैरो चेस्ट, इनलार्जमेंट ऑफ बोन एंड प्रोडक्टिंग स्टमक. ओके सो ये सब क्या, ये सब चीजें होती है विटामिन डी के कमी से हो जाती है. ओके सो व्हाट आर द प्रिवेंशन वी शुड टेक टू क्योर फ्रॉम दिस डिजीज. हमें क्या क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए इस डिजीज से फाइट करने के लिए. ओके टू प्रिवेंट रिकेट्स वन शुड टेक एग योल्क. ओके एग योल्क लेना चाहिए. एग के अंदर जो योल्क होता है येलो वाला वो खाना चाहिए. मिल्क एंड कोड लीवर ऑयल. ओके सो ये सब चीज खाने से क्या होता है, हमारी बॉडी को विटामिन ई मिलेगा एंड विटामिन ई से जिस चीज से विटामिन ई मिलता है वो भी खाना चाहिए. ओके आवर बॉडी कैन मेक द विटामिन दिस विटामिन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. और हमें थोड़े देर सनलाइट में ही बैठना चाहिए ताकि हमें विटामिन हमारे बॉडी को विटामिन डी मिले. ओके सो वी गेट वी शुड गेट इनफ एनर्जी सनलाइट रेगुलरली. और ये सब भी खाना चाहिए प्लस हमें सनलाइट में ही बैठना चाहिए ताकि हमें इनफ एनर्जी मिले और बॉडी को एनर्जी मिले फाइट करने के लिए रिकेट से. ओके नेक्स्ट वन इज फैक्टर लीडिंग टू डिफिशिएंसी डिजीजेस. ओके ड्यू टू पॉवर्टी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री डू नॉट हैव रिसोर्सेज टू बाय इनफ फूड. सो बिकॉज हमारी जो कंट्री है बहुत बड़ा है, बहुत पॉपुलेटेड है, बहुत जनसंख्या है हमारे कंट्री में, तो इससे क्या होता है बहुत सारी गरीबी भी है और जो लोग गरीब है जिनको अच्छे से खाना नहीं मिलता उन लोग के पास इतना रिसोर्सेज नहीं होता है, इतने पैसे नहीं होते, वो अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पाते हैं, उनको ये सब ज्यादा बीमारियां होती है. ओके दिस फैक्टर कैन बी कंट्रीड बाय ईटिंग सिंपल एक्सपेंसिव बट होलसम फूड लाइक ग्राउंड नट, सोयाबीन एंड जैगरी. सो वो लोग को इतना रिसोर्सेज नहीं होते, इतने पैसे नहीं होते हैं, जितने पैसे होते हैं उनको घर भी चलाना होता है. सो उन लोग को क्या होता है, जो उनके पास मिलता है, जो उनका होता है, वो एक बक्की रोटी ही खा लेते हैं, उनका पेट भर जाता है, उन लोग अपने प्रॉपर डाइट नहीं दे पाते पूरी फैमिली को और अपने आप को. ओके बनाना स्पिनिच आर वेरी न्यूट्रिश फूड, दे आर नॉट सो एक्सपेंसिव. बट जैसे स्पिनिच हो गया, बनाना हो गया, ये सब इतना महंगा चीज नहीं है, महंगा फूड नहीं है. ये सब खाने से क्या होगा, न्यूट्रिशन मिलेगा बॉडी को और इतना महंगा नहीं है तो ये सब खा सकते. ओके मेनी न्यूट्रिशन आर लॉस्ट ड्यू टू ओवर कुक्ड और रॉन्ग कुकिंग ऑफ फूड. सो बहुत सारे फूड जो जो होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उसको अगर हम ज्यादा पका देते हैं या फिर कुछ अलग तरीके से पकाते हैं या रॉन्ग कुक करते हैं, गलत तरीके से पकाते हैं, तो उसका क्या होता है, फूड का विटामिन और मिनरल्स जो होता है फूड में जो रहता है वो चला जाता है. ओके ऑल्सो विटामिन सी इज लॉस्ट वेन पल्सेज एंड वेजिटेबल आर रेपिडली वॉश और सोक इन वॉटर पॉलिश्ड राइस. ओके अगर हम लोग क्या करते हैं, पल्सेस को कुछ ज्यादा धो देते हैं या कुछ ज्यादा देर तक रख देते हैं या फिर वेजिटेबल्स को रख देते हैं, तो उससे क्या होता है, विटामिन जो जितने विटामिन प्रोटीन मिनरल्स होते हैं वो चले जाते हैं. ओके एंड वॉटर पॉलिश्ड राइस लॉस प्रोटीन एंड विटामिन बी कंटेंट्स. ओके और अगर हम लोग पानी में क्या करते हैं, चावल को सोक करके भिगा के रख देते हैं, तो उससे भी क्या होता है, चावल का जो प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, वो चले जाते हैं. ओके सो स्टूडेंट वी हैव कम्प्लीटेड द चैप्टर. सो वॉट वी हैव लर्न इन टूडे चैप्टर, वी हैव लर्न डिफिशिएंसी ऑफ डिजीजेस. सो वॉट आर द थिंग, वॉट आर द डिजीजेस कॉज बाय द डिफिशिएंसी. ओके सो देर आर थ्री टाइप ऑफ डिफिशिएंसी, वन इज प्रोटीन, नेक्स्ट इज मिनरल एंड थर्ड वन इज विटामिन. सो लैक ऑफ टेकिंग ऑफ प्रोटीन, अगर हम प्रोटीन कम लेते हैं तो वॉट डिजीजेस कॉज इन अवर बॉडी. So these are the diseases which caused in body, okay, myoneuses and kawasikod. So these are the two diseases caused by the protein deficiency, okay. Next one is mineral deficiency. Mineral deficiency, less taking of minerals caused iron, iodine deficiency, okay. And next one is vitamin deficiency. So taking less of vitamin caused night blindness, very, pellagra, scurvy and rickets. So are the diseases caused by the vitamin deficiency. Okay. So I hope you understood this chapter. Okay.
complete the video. And if you have any doubt, ask me during the class. I will complete the video. Mention your name below the comment box. Okay. Bye everyone. Take care.